हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने केस हार्डनिंग प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम एलॉयज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज को देखेंगे। और एक चीज़ कि ये अपना जो वीडियो है अपना मेटल साइंस टॉपिक का, मेटल साइंस सब्जेक्ट का जो लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलॉयज में हम देखेंगे एल्युमिनियम के अलॉयज देखेंगे। तो एल्युमिनियम के अलॉय में जो अपना जो चीफ मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ना, वो क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। और इसका यूज़ जो बेसिकली कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल या फिर एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट्स होते हैं ना, उसको बनाने में यूज़ होता है इसका, क्योंकि जो एल्युमिनियम जो होता है ना, काफ़ी लाइट वेट होता है। तो काफ़ी लाइट वेट होता है तो इसीलिए हम लोग उसका यूज़ जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स में या फिर एयरक्राफ्ट जो अपने एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्यूर एल्यूमिन। जो अपना ड्यूर एल्यूमिन होता है ना, उसमें जो कॉपर की परसेंटेज होती है 3.5%, और उसके साथ वो मैंगनीज और मैग्नीजियम का यूज़ करते हैं अराउंड 0.4 to 0.7%। अपना जो ड्यूर एल्यूमिन होता है इसके हम लोग एज हार्डनिंग करते हैं, इसकी एज हार्डनिंग करते हैं। तो अपना एज हार्डनिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग हमने जैसे अपना जो स्टील में देखा था कि जब हम लोग स्टील की हार्डनिंग कर रहे थे तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, एक ऑस्टेनाइट टेम्परेचर पे उसको हम लोग मेल्ट कर रहे थे, फिर उसको वहाँ पे सोकिंग कर रहे थे, फिर उसके में क्वेंचिंग कर रहे थे। तो उसी से ये कॉन्सेप्ट आता है एज हार्डनिंग का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग कुछ डेफिनेट टेम्परेचर तक उसको हीट करते हैं, फिर उसको वहाँ पर सोक करते हैं कुछ टाइम तक, फिर हम लोग उसकी क्वेंचिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेंची करने के बाद एल्युमिनियम केस में जो अपना हार्डनिंग है वो हमें देखने को नहीं मिलता। हमें यहाँ पे क्वेंचिंग करने के बाद अराउंड 2 to 3 days क्या करने पड़ते हैं, उसको हमें ऐसे ही रखना पड़ता है, ऐसे मतलब अपना जो रूम टेम्परेचर है उस पर रखना पड़ता है। और आफ्टर 2 and 3 days ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अपना जो एल्युमिनियम का जो एलॉय है, जैसे ड्यूर एल्युमिनियम हो गया, वो क्या होता है, उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एज हार्डनिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ड्यूर एल्युमिन जो हो गया उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है अराउंड 400 MPa हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वाई एलॉयज। जो अपना वाई एलॉयज होता है ना, वो भी अपना कॉपर और एल्युमिनियम का एलॉय होता है, और ये ज़्यादा हार्ड होता है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, इसका प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है इन कंपेरिजन टू ड्यूर एल्युमिन। इसमें हम लोग निकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉपर, मैंगनीज और निकल का यूज़ करते हैं। कॉपर का यूज़ अराउंड 3.5 to 4.5% इसका यूज़ करते हैं, मैंगनीज का 1.2 to 1.7% इसका यूज़ करते हैं, और निकल अराउंड 1.8 to 2.3% इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नीलियम पे। तो अपना जो मैग्नीलियम है उसके नाम से हमें मालूम चल रहा है कि जो ये जो है वो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बना होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपना जो एल्युमिनियम है उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग 2 to 10% मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग मेल्ट करते हैं वेकम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं, वो भी वेकम में करते हैं, और उसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, 100 to 200 atm प्रेशर पे हम उसको कूल करते हैं, और उसमें जो कॉपर होता है, कॉपर की परसेंटेज होती है अराउंड 1.75%। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपना हिंडेलियम, ठीक है। अपना जो हिंडेलियम होता है ना, इसका यूज़ बेसिकली होता है अपना जो हाउस होल्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका इसमें जो ये जो मेनली इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका जो मिक्सचर होता है वो होता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। तो क्रोमियम जो हो गया वो क्या होता है, हमें पता है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका जो हिंडेलियम है इसका यूज़ हम लोग इसमें करते हैं, तो यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉपर और उनके कुछ एलॉयज़ के बारे में। तो दो इंपॉर्टेंट एलॉयज़ है कॉपर के, एक है अपना ब्रास, एक है अपना ब्रॉन्ज। जो अपना ब्रास होता है ना उसको हम लोग कॉपर जिंक एलॉयज़ भी बोलते हैं, और अपना ब्रॉन्ज है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर टीन एलॉय, ठीक है। तो ब्रास में जो कॉपर की परसेंटेज होती है अराउंड 70% होती है, और जिंक में 30% होती है। और अपना जो ब्रॉन्ज है उसमें कॉपर की परसेंटेज 88 होती है, और जो टीन होती है वो 12% होती है, ठीक है, 12% टीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी ब्रास को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी अपना जो ब्रॉन्ज है उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे,
फॉस्फोरस के साथ उसमें कुछ फॉस्फोरस के एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स कर देंगे, फॉस्फोरस को मिक्स कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें एल्यूमिनियम को मिक्स कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रास अपना जो ब्रॉन्ज है उससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी मटेरियल्स को उसमें यूज़ करते हैं तो उस तरह से उसका नाम, उसका प्रॉपर्टी भी में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये याद कर, ये ध्यान लीजिएगा, अपना जो मैंगनीज ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं अपना जो वॉर्म गियर होता है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसका हम लोग यूज़ करते हैं मैंगनीज ब्रॉन्ज का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गन मेटल। तो अपना जो गन मेटल होता है ना उसमें कॉपर, टीन और जिंक, ठीक है, इस तीनों का जो मिक्सचर होता है, तीनों का एलॉय जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गन मेटल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एडमिरेटली गन मेटल भी बोलते हैं। और इसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 88%, ठीक है, टीन का होता है 10% और जिंक होता है अपना 2% के अराउंड। ओके, नेक्स्ट है अपना बैबिट मेटल। जो अपना बैबिट मेटल होता है उसमें वो होता है अपना अपना जो एलॉय होता है, अपना जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है, टीन का होता है, एंटीमोनी का होता है, अपना कॉपर का होता है। इसमें टीन अराउंड 88% होता है, अपना जो एंटीमोनी है 8% होता है, अपना जो कॉपर है वो 4% होता है। और ये जो बैबिट मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें उसका जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है और बहुत ही कम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसका जो भी स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। नेक्स्ट आते हैं निकेल बेस्ड अलॉय। निकेल बेस्ड अलॉय में हम लोग दो इंपॉर्टेंट जो अपने इसका अलॉय है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक होता है मोनल मेटल, एक होता है निक्रोम। जो अपना मोनल मेटल होता है इसमें हम लोग कॉपर और निकल का यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर और निकल का यूज करते हैं। अब हम लोग इसमें निकल का यूज कर रहे हैं तो ये क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि मालूम है जो अपना जो निकल होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, तो अपना जिससे जो भी हम लोग को मेटल्स मिलते हैं, जो भी हम लोग को इसके प्रोडक्ट मिलते हैं वो कोरोजन फ्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निक्रोम। जो निक्रोम जो होता है इसका नाम से पता चल रहा है कि निकल और क्रोमियम, और इसमें हम लोग आयरन का भी यूज़ करते हैं अराउंड 20%। और इससे जो हमें जो भी मटेरियल मिलता है ना वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग बेसिकली जो अपना जो प्रेस आयरन होता है घर में उस पर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल जो अभी सप्लाई है उसको रेजिस्ट करता है, उसके कारण क्या होता है उसमें हीट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो हीट होने लगता है तो उसी का यूज़ करते हैं हम लोग, जो अपना जो प्रेस होता है उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लास्टिक के ऊपर। तो अपना जो प्लास्टिक है ना वो मेनली टू टाइप्स में मतलब क्लासिफाइड है। एक होता है अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। जो अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब उसको हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इसको एक शेप देते हैं, उस पर हम लोग जो हीट और प्रेशर जब अप्लाई करते हैं उसको हम लोग हीट प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक शेप देते हैं, और शेप में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसको हम लोग फिर रीयूज़ नहीं कर सकते। उसमें हम लोग हीट और टेम्परेचर फिर से अप्लाई करें तो वो फिर से उसको हम लोग किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ अ परमानेंटली हार्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस टाइप के प्लास्टिक हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया बेकलाइट हो गया, तो बेकलाइट हमने देखा होगा अपना जो स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, स्विच बोर्ड होता है वो अपना बेकलाइट से बना होता है, वो एक थर्मोसेटिंग जो है प्लास्टिक होता है। ठीक है, फिर अपना कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे ड्यूराइट हो गया, ठीक है, और अपना प्लास्कॉन हो गया। ओके, अब आते हैं थर्मोप्लास्टिक पे। तो अपना थर्मोप्लास्टिक होता है वो जस्ट अपोजिट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। इस पर हम लोग क्या कर, इसमें भी इसको मैन्युफैक्चरिंग हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीट और टेम्परेचर अपना जो प्रेशर दे करके उसको किसी एक डेफिनेट शेप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसको मैं रीयूज़ करना चाहूँ, उसको मैं रीमेल्ट करना चाहूँ तो उसको हम लोग रीमेल्ट करके उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो अपना इथेनॉल मिथेनॉल हो गया, जो अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये सोल्यूबल होता है, और इसको हम लोग रीमेल्ट करके रीयूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग रीयूजेबल प्लास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो लेफ्ट थे अपना मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ MCQs इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।